दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय ओरिएंट वेस्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, शिमला बिरयानी स्वाद जिंदगी का, निर्माण कंक्रीट, अमीनिया द टेस्ट यू लव, काकेटा लेदर कॉम्प्लेक्स स्टैंडर्ड्स एसोसिएशन, को-स्पॉन्सर्ड बाय अल मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स। শিখ ধর্মগুরু নানকের 550তম জন্মবার্ষিকী উদযাপনে শিখ ধর্মাবলম্বী মানুষেরা অধুনা পাকিস্তানের মাটিতে বসে গুরু নানক শিখদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ গ্রন্থ সাহেবে রচনা করেছিল। সেই ধর্মগ্রন্থকে সারা বিশ্বের মানুষের কাছে ছড়িয়ে দিতে এক বিশ্বব্যাপী যাত্রার আয়োজন করা হয়। এই যাত্রাপথে মূল গ্রন্থ সাহেবকে সাথে করে ভ্রমণ করা হয়। সেই যাত্রা সারা বিশ্ব ঘুরে ভারতের কর্ণাটক হয়ে পশ্চিমবঙ্গের ডানকুনি গুরুদুয়ারে এসে সমাপ্ত হয়। এই সম্পূর্ণ সকল যাত্রার জন্য আনন্দ উৎসবে মেতে ওঠেন শিখ ধর্মাবলম্বীরা। এই অনুষ্ঠানে মূলত আয়োজক সতপাল সিং জানিয়েছেন। নমস্কার, 24 আওয়ার্স টিভিতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। আজকে আমরা এসে গেছি ডানকুনি গুরুদুয়ারাতে। আজকে এখানে কি ওকেশন সেটার জন্য আমরা কথা বলে নেব এখানকার মেম্বারদের সঙ্গে। আপনার নাম? সতপাল সিং। আজকা ইয়ে যো ওকেশন হ্যাঁ, মানে পেলে পুছনা চাহুঙ্গি কেসে আপনি প্রোগ্রাম কেসে অর্গানাইজ কিয়া, ক্যা ক্যা হোনে ওয়ালা আজ? देखो, ये जागृति यात्रा जो बेदर साहब से चली हुई है, ये पूरे हिंदुस्तान को ही नहीं पूरी दुनिया को ये मैसेज देना चाहती है कि गुरु नानक देव जी का पर्व आ रहा है, शताब्दी पर्व, और ये शताब्दी पर्व को हम भाईचारा की तरफ की तरीके से मनाना चाहते हैं। क्योंकि गुरु नानक देव महाराज का पाशा का ये संदेश है कि मानवता जो है सांझी है, इसमें कोई जात पात नहीं है, कुछ नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, ये सब कुछ नहीं है। तो इस मैसेज को सारी दुनिया में पहुंचाने के लिए इस शताब्दी पर्व को जो बड़ी धूमधाम से सब मना रहे हैं, हमको बड़ी खुशी हो रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी इस पर्व को मनाने के लिए बहुत उच्च तरीके की प्रबंध किए गए हैं। और बहुत ही धन्यवाद करते हैं गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के भी, जिन्होंने पूरी सिक्योरिटी मुहैया करवा के इस जागृति यात्रा को जगह जगह में जाने के लिए जो सुविधाएँ प्रदान करती है। तो हम गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का भी बहुत धन्यवाद करते हैं। आज का ये प्रोग्राम जो है गुरुद्वारा गुरु गोविंद सिंह, जो कार सेवा बाबा सेवा सिंह जी, बाबा लाभ सिंह जी, जो प्रबंधक बाबा लाभ सिंह जी हैं अभी, यह गुरुद्वारा साहब की आलीशान इमारत जो दिख रहे हैं, ये उन्हीं की सेवा की बदौलत यहाँ है। और इस गुरुद्वारा में सब धार्मिक एक्टिविटी होती है। तो आज ये जो यात्रा आ रही है, जैसे प्रधान साहब ने पहले कहा और जथेदार साहब जी ने कहा कि ये जागृति यात्रा का हम स्वागत करना करते हैं, और ये इसका एक ही मकसद है कि दुनिया को, लोगों को ये मैसेज देना कि आओ एक साथ में मिलके गुरु नानक पर्व जो है मनाएं, और उस संदेश को, भाईचारे के संदेश को दुनिया के लोगों तक पहुंचाएं जो संदेश गुरु नानक देव ने 550 साल पहले दिया था। तो आज ये जागृति यात्रा जो कई गुरुद्वारों से होके डनलप गुरुद्वारा साहब से अभी आरंभ हो चुकी है, और ये गुरुद्वारा गुरु गोविंद सिंह साहेब जयपुर बिल यहाँ पहुँचने वाली, हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं और बहुत सारी संगत भी यहाँ इंतज़ार कर रही है। इसमें गुरु ग्रंथ साहब महाराज पातशाह, जो गुरु गोविंद सिंह महाराज पातशाह के टाइम में हाथ से लिखी गई ये भीड़ है, और इसके भी हम लोग दर्शन करेंगे, जो दुर्लभ दर्शन है, और दर्शन करके हम अपने आप को बड़भागी समझेंगे। तो सारी संगत यहाँ आ रही है, और मैं गुरुद्वारा साहब का जनरल सेक्रेटरी होने के नाते ये सारे प्रबंध की देखरेख में इंतज़ार कर रहा हूँ कि यात्रा यहाँ पहुँचे, संगत को कैसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो खुशी प्रोवाइड कर सकें, उनको फैसिलिटी प्रोवाइड सकें। और प्रशासन ने भी सारा बंदोबस्त कर रखा है, पूरे रोड में जो है डिपार्टमेंट की, ट्रैफिक डिपार्टमेंट के जो पुलिस के आदमी हैं वो मुहैया हैं, और इस यात्रा को वो पूरा ही सम्मान दे के यहाँ तक पहुँचाने में वो बहुत ही सहायता कर रहे हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। कितने लोगों का एक्सपेक्टेशन है गैदरिंग का? देखिए, गैदरिंग तो हम यहाँ समझते हैं कि गैदरिंग यहाँ 2500-3000 से ज़्यादा होनी चाहिए, परंतु गैदरिंग उसके साथ में चल रही है, क्योंकि हर गुरुद्वारा में जहाँ गैदरिंग होती है वहाँ दर्शन हो जाते हैं, तो वो संगत वहाँ रह जाती है, और ये यात्रा फिर आगे पहुँचती है, आगे वाले गुरुद्वारों की जो संगत होती है वहाँ इकट्ठी होती है, ये वहाँ दर्शन करते हैं। हमारा मतलब ये है कि एक गुरुद्वारा में इतना बड़ा गैदरिंग नहीं हो सकती, ये जगह जगह में गुरुद्वारा में जाके मैसेज दे के दुनिया के लोगों को यही हम संदेश देना चाहते हैं कि गुरु नानक का जो संदेश है आज की दुनिया में बहुत ही उच्च कोटि में है, इसको हम अपने जीवन में धारण करें, ताकि हम लोग ऊंच नीच यात्रा जो है ये सब इसको मिटा सकें, और गुरु नानक के संदेश को लेके हम सब भाईचारे को एक साथ में लेके शांति में रह सकें, और बहुत ही उस परमात्मा की जो खुशियां अपनी झोली में डलवा सकें, और मनुष्यता की सेवा कर सकें, गरीबों की सेवा कर सकें, जो कमज़ोर है उनकी सेवा कर सकें। ये हम लोगों का मकसद है, गुरु नानक के जो अनुयायी हैं उनका ये मकसद है,
और मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ 24 आवर का भी जो आपने ये कवर किया, और मैं चाहता हूँ कि ऐसे जो बहुत ज़रूरत है आज मीडिया की, जो अच्छी चीज़ों को दुनिया के मैसेज जो है दुनिया के सामने में दे, ताकि जो आने वाली जनरेशन है, जो हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, उनको ये मालूम पड़े कि हम लोगों का पिछोकड़ क्या था और हमको मनुष्यता के प्रति कितना समर्पित होना है। आपका नाम? सुरजीत सिंह बत्रा। अंकल जी, यहाँ जो आज प्रोग्राम होने वाला है, इसके बारे में अगर आप हमारे व्यूअर्स को कुछ बता पाएं। आज बहुत ही भाग्य वाला दिन है, यहाँ की संगत के लिए बहुत ही खुशी का पर्व है कि गुरुद्वारा बिदर साहिब से, जहाँ गुरु नानक देव जी का 550 साल पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाना है, जो कि नवंबर महीने में आ रहा है। बिदर साहिब गुरुद्वारे का इतिहास है कि जहाँ महाराज जी की खड़ाव लगी हुई है, उस खड़ाव से आज 550 साल से एक मीठे पानी का चश्मा बह रहा है, जो कि सारे बिदर में पानी मीठा जल प्रवाह करता है। उसके आसपास में साइंटिस्टों ने बड़ी खोज की है, चारों तरफ लाल मिट्टी है लेकिन कहीं भी मीठा पानी नज़र नहीं आता है, लेकिन 550 साल से वो चश्मा आज भी उसी तरह से निर्मल और पवित्र जल उसी तरह से निकल रहा है। जहाँ कर्नाटक से बिदर की संगत, वहाँ से सारा वो जल लेके अपने घरों में जाती है मीठा जल करने के लिए। तो वो उस बिदर, उस स्थान, गुरु नानक देव जी के उस स्थान से एक जागृति यात्रा शुरू हुई है, जो कि सारे हिंदुस्तान में ये संदेश देने के लिए निकली है कि भाई आइए सारे मिल के नवम्बर महीने में गुरु साहिब जी का 550 साल जो पर्व है मिल के मिलाया जाए। और सारा हिंदुस्तान ही नहीं, सारे विश्व की हर जगह से ये संदेश जा रहे हैं कि हर इंसान उस दिन वहाँ पहुँच रहे हैं। तो वहाँ से एक उन्होंने जागृति यात्रा, सरदार बलबीर सिंह जी जो वहाँ के प्रधान हैं, उनकी छत्रछाया में उन्होंने महाराज का वो स्वरूप साथ में भेजा है जो कि हस्तलिखित है महाराज जी का, जिसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। सो हम लोग कलकत्ता वासी बहुत ही भाग्यवान हैं कि जो कि ये चीज़ को हम लोग को दर्शन करने को मिल रहे हैं। सो वो जागृति यात्रा वहाँ बिदर से शुरू हो के महाराज का स्वरूप लेके, साथ में 5 प्यारे हैं, साथ में संगत है, वो एज ए नगर कीर्तन के हिसाब से चलती हुई सब जगह हिंदुस्तान को कवर करती हुई आज गुरुद्वारा डानकुनी गुरु गोविंद सिंह जी के यहाँ पहुँच रही है, जहाँ की संगतें यहाँ पे दर्शन करेंगी, उनके दर्शन करके निहाल होंगी, क्योंकि ये हस्तलिखित जो महाराज जी की भीड़ है, ये बहुत ही भाग्य वालों को दर्शन होने को मिलते हैं। सो आज हम लोग समझते हैं कि हम लोग का बहुत बड़ा भाग्य है यहाँ से वो दर्शन करते हुए। कल परसों से वो आई हुई है यात्रा, जो कि कलकत्ता के हर गुरुद्वारे को उन्होंने कवर किया है, पहले गुरुद्वारा कालीघाट में, फिर सिंह सभा में, फिर गुरुद्वारा बिहाला, गुरुद्वारा संत कुटिया जो कि ऐतिहासिक एक स्थान है, गुरुद्वारा बड़ा सिख संगत जहाँ दो दो गुरुओं की चरण छो है, फिर कल वहाँ पे थे, आज दमदम में से होते हुए वहाँ पे आज डनलप में हैं, डनलप से होके आज ये जागृति यात्रा यहाँ पे गुरुद्वारा डानकुनी गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ पहुँच रही है। सो हम लोग बड़ी धूमधाम से उनके इंतजार में बैठे हैं कि स्वागत करने की तैयारियां की हुई है, साहब आए, और हम लोग के धन भाग्य हैं कि हम लोग भी दर्शन करके निहाल हो, और यहीं से फिर वो यात्रा विदाईगी देते हुए यहां से आगे आसनसोल होते हुए पटना की तरफ रुख कर जाएंगे, फिर पटना से होते हुए वापस वो अपना रायपुर मध्य प्रदेश होते हुए पूरा उन्होंने सेप्टेम्बर महीने में बिदर पहुँच जाएंगे। और ये यात्रा कितने सालों से हो रहा है? सालों से नहीं, ये 550 साल जो पर्व है ना, इसको शताब्दी पर्व कहा जाता है। तो ये बहुत ही नसीब में वाले हैं कि जो शताब्दी में दर्शन कर सकेंगे, क्योंकि शताब्दियां तो हर इंसान के नसीब में होती नहीं है। अब 550 साल के बाद 600 साल आना, किसने रहना है किसने नहीं रहना है कुछ नहीं कहा जा सकता। तो ये बहुत भाग्य वालों के ये दर्शन होने के नसीब मिलते हैं। और आज के इस प्रोग्राम का मतलब कम्प्लीट मेन्यू क्या है, क्या मतलब किस तरह से इसको सेलिब्रेट करेंगे आप? अभी वहाँ पे संगत नगर कीर्तन के रूप में वहाँ से अभी डनलप से निकलेंगी और यहाँ आएंगे, सारी संगत यहाँ की हावड़ा बेलूर दमदम यहाँ की अपनी संगत अपनी डानकुनी की सारे यहाँ मिलके उनके स्वागत की तैयारियाँ कर रहे हैं। आएंगे फिर वो बिदर का इतिहास बताएंगे यहाँ आके, बिदर का इतिहास के बाद यहाँ गुरु का लंगर प्रवाह चलेगा, सारे फिर लंगर का छक के यहाँ से बंगाल से उनको विदाई दी जाएगी। तो ये हर साल एक ही जैसा होता है क्या? हर साल हम लोग लोकल पब्लिक मिल के मनाते हैं बंगाल के, लेकिन ये शताब्दी है, 550 साल गुरु नानक देव जी का जो पर्व मनाया जा रहा है, ये शताब्दी के रूप में मनाया जाए, इसमें सारा हिंदुस्तान नहीं सारा विश्व एक साथ मिलके सब मना रहे हैं। मेरा नाम अमरदीप सिंह राणा है। कैसा लग रहा है आपको, जैसे उन्होंने बताया कि ये एक ऐतिहासिक चीज़ है और बहुत ही नसीब वालों को ये प्राप्ति होती है, तो आपको कैसा लग रहा है आज इस चीज़ को देखने के लिए? अंदर से एक बहुत ही खुशी हो रही है कि आज गुरु महाराज जी का स्वरूप यहाँ पर आ रहा है,
और हम सब बड़े उत्साह से, बड़ी खुशी से उनका इंतज़ार कर रहे हैं। और हम इस चीज़ का भी इंतज़ार है कि अब की नवंबर में जो गुरपुरब आ रहा है, गुरु नानक देव जी का जो जन्मदिन आ रहा है, हम सब इस बार बहुत धूमधाम से मनाना चाहते हैं। और एक उनका जो पैगाम जो इस दुनिया में छोड़ गए कि भाई सबको प्रेम से, प्यार से मिल के रहना चाहिए, उन्होंने किसी भी जाति को, धर्म को, किसी को भी अलग नहीं माना, सबको एक साथ लेके चले। अगर आप गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ेंगे तो उसमें आपको हर जाति के, जैसे कबीर साहब के भी दोहे मिलेंगे, तो संत गुरु कबीर जो हैं उनके भी दोहे मिलते हैं। तो ये जो हमारा जो सिख इतिहास है ये, और ये जो सिखिज़्म है, ये सबको एक साथ लेके चलता है। और यही गुरु नानक देव जी पूरे दुनिया में अपना छोड़ गए थे, जो प्रेम और सबके लिए विचार छोड़ गए थे, इस चीज़ को लेके हम सब आगे बढ़ना चाहते हैं। आपका नाम? बच्चन सिंह सरल। अंकल जी, जैसे अभी हमने सुना है कि ये एक हिस्टोरिक मोमेंट है और बहुत ही किस्मत वालों की नसीब में होता है कि आज इस ओकेशन को देखना, तो आज आप भी इस ओकेशन में शामिल होने के लिए आएँ। पहली बात तो आपको कैसा लग रहा है, और दूसरी बात आज की इस ओकेशन के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप हमें? नहीं, हम तो सब भी यहाँ इस ओकेशन में शामिल होने के लिए आ रहे हैं, बहुत से आ रहे हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ यहाँ आने के लिए। हमारे लिए बहुत शुभ घड़ी है इसको बोलते हैं, क्योंकि गुरु नानक देव जी का 550 साल जन्मदिन, जिसको हम प्रकाश जन्म नहीं बोलते हैं, क्योंकि गुरु साहब का जन्म होता नहीं, हम उनका प्रकाश बोलते हैं, प्रकाश दिवस, तो वो नवंबर में है। तो उसके लिए सारा साल प्रोग्राम चल रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अपनी तरफ से प्रोग्राम बनाया है, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, उसने सारे दुनिया में ये प्रोग्राम बनाया है, और पंजाब गवर्नमेंट ने अलग से अपना प्रोग्राम बनाया है। तो ये सारे तरफ से गुरु नानक जी का 550 साल प्रकाश उत्सव मनाने के लिए तैयारियां हो रही हैं। तो इसी सिलसिले में ये जागृति यात्रा जो कर्नाटका बिदर से शुरू हुई है, जैसे सरदार सुरजीत सिंह ने उनकी उस सारी कहानी बताई है कि वहाँ से बिदर की क्या महत्ता है, वो उसके बारे में आपको बताया है सारा कुछ है। तो उसी को लेके आज ये गुरु नानक, आज देखिए आज के जो विश्व है इसमें बहुत सारे ऐसे हो रहे हैं, घटनाएं हो रही हैं कि एक दूसरे से नफरत, एक दूसरे से प्रेम भाव नहीं, कोई देशों के बीच में है, कोई आतंक है, कोई ऐसे ऐसे, तो बहुत कुछ ऐसी बातें हैं। तो गुरु नानक ये रहा नहीं था, उसमें प्रेम, जिन प्रेम की हो तिनी प्राप्त पाया, अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के भर बंदे, एक नूर ते सब जग हुआ कौन पले कर बंदे, अल्लाह पाकम पाक है दूसरो है तो शक हो, खुदा एक है, ईश्वर एक है, गॉड एक है, वाहगुरु एक है, अगर कोई दूसरा होता तो शक होता है। तो ये जो मैसेज है सारी दुनिया में जाने के लिए आज ज़रूरत है, तो यही प्रयास किया जा रहा है कि गुरु नानक का जो संदेश है, उन्होंने 48,000 माइल का सफ़र किया दुनिया भर में, वो मक्का गए हैं, बगदाद में गए हैं, और ये श्रीलंका में गए हैं, ये कलकत्ते में आए हैं, पुरी में गए हैं, ढाका में गए हैं, मतलब कितने इलाकों में गया, सारा जाके उन्होंने यही कहा। और उनके साथ में दो उनके दोस्त थे, एक मुसलमान था, एक हिंदू था, बाला मर्दाना, तो दोनों को लेके वो साथ साथ चलते थे। तो दुनिया को मानवता का संदेश दिया है, माता तर्त महात, उन्होंने संदेश दिया, ये धरती जो है हमारी माता है, ये पवन पानी जो है हमारे पिता है। तो आज पोल्यूशन की बात करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो वो तो गुरु साहब ने पहले कहा कि ऐसे हालात पैदा कर रहे हो तुम लोग, कि जिसको वो गुरु साहब के वो कहने के जो बातें उन्हें कही हैं उनके बिल्कुल उलट जा रही हैं। तो आज वही संदेश लेके हमने चलना है, दुनिया को सिखाना है, देना है, ये मैसेज देना है एक हमने, कि गुरु साहब ने ये रास्ता बताया था, इस रास्ते पर चलने से दुनिया का कल्याण हो सकता है,
विश्व का कल्याण हो सकता है, आप आपस में फ्रेंडशिप हो सकती है, कंट्रीज डिफरेंट कंट्रीज के बीच में जो है एक संवाद होना चाहिए। आप लड़ाई झगड़े होते हैं लेकिन लड़ाई झगड़े ख़त्म करने के लिए संवाद चाहिए, चाहे डायलॉग चाहिए, तो डायलॉग पर गुरु साहब ने बहुत बड़ा जोर दिया है कि संवाद होगा तो मसले हल हो गए। तो यही सारी बातें हैं आज हम चाहते हैं कि सारा गुरु साहब का जो संदेश है, और हमारे लिए तो ये है कि ये 550 साल जो प्रकाश दिया आ रहा है उनका, ये हमारे जीवन में तो आएगा नहीं, और बाद में जो आज हैं यहाँ पर 50 साल के बाद में, जैसे उन्होंने कहा कि 6 साल हो जाएंगे, तो कौन हम लोगों में से रहेगा कि नहीं। हमारे लिए बहुत है कि हम कुछ कर पाएँ, गुरु साहब का संदेशा जो है दुनिया तक पहुँचा सकें, यही प्रयास हमारा है। आपका नाम? दास का नाम ज्ञानी अवतार सिंह शीतल। आज का ये जो ओकेशन है इसके बारे में आप हमें थोड़ा बताइए कि इसका क्या महत्व है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। धन धन साहेब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का 550वां वर्षगांठ गुरुद्वारा नानक झेरे में बड़े उत्साह और प्रेम से मनाया जा रहा है। गुरु नानक देव जी महाराज का 550 साल पहले जो संदेश मानवता के प्रति गुरु महाराज ने दिया था, उसी संदेश को लेकर के हम ये यात्रा में चले हैं। गुरुद्वारा नानक झेरा साहेब से अलग अलग पड़ावों से होते हुए, अलग अलग शहरों से होते हुए आज आपके शहर कलकत्ता में यात्रा पहुंची है। गुरु नानक महाराज जी का जो संदेश था मानवता के प्रति कि सभी मानव एक है, और मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है, प्रेम है, प्रेम से बड़ा कोई शय नहीं है, ये संदेश हम घर घर तक पहुंचाने के लिए ये यात्रा के द्वारा हर जगह जाने का यत्न कर रहे हैं। यात्रा कहाँ से शुरू हुई है, कहाँ कहाँ से होकर आ रही है? ये यात्रा गुरुद्वारा नानक झेरा साहिब से शुरू हुई है, वो सारा कर्नाटक करते हुए, महाराष्ट्र करते हुए, झारखंड करते हुए, छत्तीसगढ़ करते हुए, हम अब पश्चिम बंगाल में पहुंची है। और आगे चलकर ये कहां तक आप मतलब कंटिन्यू करना चाहते हैं इस यात्रा को? इस यात्रा का सारा कार्यक्रम बना हुआ है। हम पश्चिम बंगाल से पटना बिहार जाएंगे, वहां से आगे चलते हुए दिल्ली जाएंगे, पंजाब के सारे शहर करेंगे, पंजाब से वापस दिल्ली आ करके हम राजस्थान जाएंगे, राजस्थान से होते हुए अलग अलग शहरों से होते हुए फिर हम दक्षिण आंध्र प्रदेश जाएंगे और तेलंगाना जाएंगे, वहाँ से फिर बीदर कर्नाटका जाएंगे। इसकी जो समाप्ति होगी वो गुरुद्वारा नानक झेरा बीदर साहब में होगी। और इस पूरे कार्यक्रम का मकसद क्या है? आप जो यात्रा पूरा कर रहे हैं, ये जो मैसेज दे रहे हैं, इसका मेन मकसद क्या है? आप लोगों के बीच क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम पूरे दुनिया को, पूरे संसार के लोगों को, हर एक धर्म के व्यक्ति को यह मैसेज देना चाहते हैं कि अगर इस संसार में रहना है तो कोएग्जिस्टेंस से, सह अस्तित्व के कारण हम रह सकते हैं। सभी को एक दूसरे के धर्मों का आदर और सत्कार करना चाहिए। सभी धर्म आदरणीय हैं और पूजनीय हैं। गुरु नानक पातशाह महाराज जी ने यही कहा था कि मानस की ज्यात सब एक है पहचान वो, ये गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने बताया। गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी गुरु ग्रंथ साहब में कहती है, एक पिता एकस के हम बारक, तू मेरा गुरु हाई, हम एक ही परमात्मा की संतान हैं और प्रेम से रहें। यही हम संदेश, प्रेम का, भाईचारे का संदेश, मानवता का संदेश सारे जगत में पहुँचाना चाहते हैं। 24 आवर्स टीवी के सारे दर्शकों को आप अपनी तरफ से इस शुभ दिन में कुछ कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि ये जीवन जो है ये बहुत सरल है, इसको सरलता से जीना चाहिए। मन में अच्छे विचार हों, धार्मिक विचार हों, धर्म को हम अच्छे से समझें, उसके मर्म को समझें, और कर्मकांडों में ना जाएं, किसी पाखंड में ना जाएं, किसी ब्लाइंड फेथ में ना जाएं, और सहजता से हमारा जीवन जिए, प्रेम से जिए, तभी हमारे मानव जीवन की जो संकल्पना है वो पूरी हो सकती है। आज बहुत स्वागत का दिन है कि हमारे बीच में श्री हजूर सचखंड श्री हजूर साहब के जत्थेदार, पांच प्यारों के जत्थेदार सरदार अवतार सिंह जी यहाँ पधारे हैं। हम इनका स्वागत करते हैं और सारी संगत इनके दर्शनों के लिए बेताब है। अब अपने मुखपत्रों से ये कुछ संगत के नाम संदेश देंगे, सो सारे सब संसद करके भाई। सातरती पई हरियाली मेरा सतगुरु।
ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭੁੱਖਾ ਤੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਰਕਤ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਦਾਤ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਵਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੋ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਵੀ ਸਫਲਾ, ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸਫਲੇ, ਵੜ ਕੇ ਥੱਕਣਾ ਵੀ ਸਫਲਾ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਵਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ 10-11-12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਹੁਕਮਾਂ ਕਰਕੇ 11-12, 10-11-12 ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਨਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ 5ਵਾਂ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਅਸੀਂ 5ਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕਰਕੇ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿਜਰੇ ਆ ਜਾਓ, ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ 5ਵਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ 5ਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਕੋਟਾਨਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਕਲਕੱਤੇ ਦੀ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਸਾਰੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਾ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਗੁਰੂ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਉਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਾਗਰਣ ਦੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹਰ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਟਿਕਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਸੰਕੁਚਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੰਜਨ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਅੰਤਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜ ਪਾਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तुम ठाक जाति जो आजाद नाम है।